वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो आज है 28 तारीख, मेरी इस प्रेगनेंसी का मुझे लग रहा है जो अभी तक का टाइम और सबसे खतरनाक टाइम है, क्योंकि मुझे आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण और मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है। सो मुझे दो दिन से सपने में भी ग्रहण का ही सपना आ रहा था, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी। और आज है ग्रहण तो मैंने बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था, कोई कुछ बता रहा था कोई कुछ बता रहा था, फिर टाइमिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू थे। फिर मैंने पंडित जी को फ़ोन किया, मतलब पापा ने किया। सो उन्होंने टाइमिंग बताई 1:05 से रात में ग्रहण लगेगा, 2:44 तक लगेगा, 4 बजे से सूतक लगेगा और कुछ खाना पीना नहीं है, यानी कि फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, खाना नहीं खाना है, दूध वाली चीज़ें मुझे नहीं खानी पीनी है। तो ये सब कुछ उन्होंने बताया और अभी सूतक हमारा स्टार्ट हो चुका है। शाम के 6 बज रहे हैं। सो सूतक स्टार्ट है हमारा, जिसमें मुझे लेटना नहीं है, सोना नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी सब कुछ कर लेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड अच्छे से हो जाए ग्रहण, सब कुछ निपट जाए अच्छे से, कोई समस्या ना आए, चाहे कुछ छूरी नहीं छूना, बहुत सारी चीज़ें हैं तो देखते हैं। और 1-1.5 घंटा भी मुझे, 1-1.5 घंटा क्या, मुझे लेटना ही नहीं, और मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कमर में कि क्या बताएं। 3 बजे के बाद से ही मैं सो सकती हूँ, लेट सकती हूँ, तो देखते हैं कैसा बीतता है। आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा ये ग्रहण का समय कैसा बीता, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। क्या कर रही हो मैडम बुलेरो? मैडम बुलेरो आज टहल रही है, मैडम बुलेरो को आज 3 बजे तक टहलना ही है। क्यों? आज है चंद्र ग्रहण इस वजह से, और सूतक 4 बजे से लग गया, जिसकी वजह से मुझे सोन मतलब लेटना भी नहीं है। मैं बैठे बैठे मेरी कमर में दर्द हो रही है, मेरे हाथों में पीड़ा हो रही है क्योंकि उंगलियां नहीं फोड़ सकती और मैं उंगली फोड़ने की आदी हो चुकी हूँ, और मेरे पैरों में भी हल्की हल्की सूजन आने लगी है। यही सब है, और 3 बजे तक बिताना है, खाना भी नहीं खाना है, फ्रूट्स खाने हैं खाली मेरे को, तो फ्रूट्स तो अभी खा लूँ लेकिन कितने कष्ट से एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, वो मुझे अब महसूस हो रहा है। क्या क्या किया तुमने किस चीज के लिए? चंद्र ग्रहण से बचने के लिए मैंने सबसे पहला काम किया अपने नाक की रस्सी, मतलब ये अपने नाक का धागा ले करके अपने नाक से थोड़ा सा बड़ा उसको एकदम स्ट्रेट दीवार में लगा दिया है, अभी मैं दिखाऊंगी। सो ये था धागा जिसको मैंने अपनी हाइट का करके और पूरा अलमारी में चिपका दिया, अपनी हाइट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया था मैंने और टेप से चिपका दिया ताकि वो कहीं से भी हिलना डुलना नहीं चाहिए, मतलब मेरे नाक का एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। और दूसरा मैंने किया कि अपने पेट पर गोबर से ऐसे मतलब घेर दिया है, जो जो बड़े बुजुर्गों ने बताया वो मैंने कर लिया है, इससे बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मैंने वो भी कर लिया। और उस गोबर का मेरे नाकों तक बहुत ही सुंदर सुंदर से सुगंध पहुंच रही है, लेकिन फिर भी किया है मैंने। देखते हैं 3 बजे तक मेरी हालत क्या होती है, और 3 बजे तक आप लोग भी बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और इसके साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस टाइम पे कौन कौन लोग प्रेग्नेंट हैं, किसके किसके घर में प्रेग्नेंट लोग हैं, और वो लोग क्या क्या किए चंद्र ग्रहण से या किसी भी ग्रहण से बचने के लिए वो लोग क्या क्या करते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे के लिए मुझे और जानकारी हो जाए। आगे वैसे अभी प्रेगनेंसी में ये लास्ट ग्रहण है, पढ़ने वाला नहीं, फिर भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं टहल लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत पीड़ा हो रही है मुझे यार। मैं तो जग रही हूँ अपने कारण से, लेकिन मेरे पति परमेश्वर जी, मेरे प्यारे प्यारे पति देव जी, वो भी जग रहे हैं। मैं अपने माँ होने का फर्ज निभा रही, वो अपने पापा होने का फर्ज निभा रहे, वो भी अभी तक जग रहे और वो मेरे साथ साथ रात भर जगेंगे। क्या जी पिताजी, आप भी जगोगे? नहीं जग रहे, जाओ 12 बजने जा रहे अभी तक जगे वो। क्यों भाई, साथ दोगे बीवी का? नहीं दोगे? तब सो जाता हूँ।
जी, हम ठीक है। 12 बजे सो जाते हैं। 12 बजे, 12 बजने के बाद से मैं मिलवाऊंगी आपको, मतलब अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभाओगे। निभाओगे? ये हमारे प्यारे प्यारे पति देव जी, बीवी जग रही थे वो भी जग रहे। साढ़े 12 तो हो गए, लेकिन अभी जो जो मेन समय है वो भी आ ही नहीं रहा, अभी आधा घंटा उसमें, और उसके बाद से तो फिर ऐसी तैसी होने वाली है। क्योंकि अभी तक तो मैं बैठ सकती हूँ, अभी तक मैं पानी पी सकती हूँ, कुछ खा पी ले रही हूँ, बट जो ग्रहण का समय होगा उसमें मुझे बैठना नहीं है, सिर्फ टहलना है, हाथ ऐसे स्ट्रेट करके ऐसे 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 कुछ नहीं करना है। मैं रोबोट बन जाओगे तुम। हाँ हाँ, और बस टहलना है। कितना किलोमीटर टहलना है? मतलब 1:05 से 3 बजे तक मुझे सिर्फ टहलना है। इतने में कितने किलोमीटर भी चली जाऊँ, बस्ती तक तो पहुँच ही जाऊँ। और कुछ खाना भी नहीं है 3 बजे तक की, पानी भी नहीं पीना है। और उस टाइम पे मुझे पता है, जैसे मुझे आज नींद बहुत आ रही है, उस टाइम पे मुझे पता है प्यास बहुत लगेगी, उस टाइम मेरे शरीर का पानी उड़ जाएगा, वहाँ पे तो मुझे प्यास लगेगी। और मुझे बहुत, मतलब मैं कितना बर्दाश्त करके बैठी, मुझे इतनी नींद आ रही, इतनी नींद आ रही है, मेरी आँखों से लग रहा होगा मुझे बहुत नींद आ रही है। बस मन, और एक चीज़ और गारंटी है, अभी नींद आ रही है ना, जब 3 बजे के बाद ग्रहण खत्म हो जाएगा, जब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे सोना है, तब मुझे नींद नहीं आएगी, ये भी गारंटी है। पर भगवान इतना सजा, इतनी बड़ी सजा बनते ना। वीडियो वीडियो देख देख करके अभी काम चला रही है, लेकिन मेरी आंखें जलन कर रही है। हे प्रभु, काश कुछ परहेज पतियों को भी दे देते, पापा लोग को भी दिए देते, कि साथ में वो भी टहलेंगे, वो भी नहीं खाएंगे, चलो खाना पीना तो ठीक है, टहलेंगे साथ में वो भी। तो यहाँ पर जो ग्रहण का मेन समय था, यानी कि 1:05 से ग्रहण स्टार्ट होने वाला था, तो वो टाइम शुरू हो चुका है। और यहाँ पर मैं टहल रही हूँ बिल्कुल हाथ वाथ सीधे करके, मुझे कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम करना नहीं है। और इस टाइम पे भगवान का जाप करना चाहिए, तो सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, मैंने ऐसा सुना है। तो मैंने जो अपनी दीदी लोगों को देखा है कि वो टहलती हैं, हाथ मतलब मोड़ा मोड़ी नहीं जाता है, तो अगर मैं बैठती तो भी मेरा शरीर मुड़ता, पैर मुड़ता, और हाथ में लेती तब भी मुड़ता। इसलिए मैंने फ़ोन में बजा लिया कृष्णा जी के भजन, और गाते 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 और अपना टाइम उसमें अपना बिताया, भगवान जी के सारे भजन सुने, गा गा करके। और उनका जाप किया, टहलते टहलते बीच बीच में मेरे हाथों में, इतनी ज़्यादा हाथों में कभी मतलब सर में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी, लेकिन भगवान की गलीमत है कि मेरे पति देव जी ऐसे हैं जो मेरे साथ प्रॉपर उतनी देर तक जगे और मेरा साथ दिया उन्होंने। ऐसे सुख में तो हर कोई साथ देता है, मतलब खुशी में हाँ, लेकिन जो दुख में साथ दे वही असली साथी है। तो शुरू से अभी तक, मतलब जब से हम साथ हैं तब से बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने मेरा, मतलब गलत चीज़ों में नहीं, अच्छी चीज़ों में सपोर्ट किया है। ये नहीं कि मैं गलत हूँ तब भी सपोर्ट करें, जब मैं सही हूँ तब भी सपोर्ट करें, लेकिन हाँ बहुत सपोर्ट किया है। और पूरी प्रेगनेंसी में अभी तक का जो समय मेरा बीता है बहुत साथ दिया इन्होंने, और ऐसे ही देना भी चाहिए। खुद आप लोग देख सकते हैं कितनी हेल्प कर रहे थे मेरी, मेरे आंखों में बाल आ रहा था, खुजली हो रही थी, तो हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे थे मेरा। एंड लिटरली मेरी हालत ऐसी हो गई थी ना कि अब मेरे पैरों से एक एक कदम बढ़ाना भी बड़ा, मतलब जैसे लग रहा था कि पैरों में कोई पत्थर बांध दिया है, चल नहीं पा रही हूँ। हाथों में बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, और मतलब एकदम कदम नहीं बढ़ाया जा रहा था मेरे से, फिर भी 3 बजे तक चलना था, डगमगाए चल रही थी, टहल रही थी। और उसके बाद से
कमर में, पैर में और हाथों में इतना ज़्यादा मेरे पेन हो रहा था, और सबसे ज़्यादा मुझे सर में दर्द होने लगा था। फाइनली 3 बज गया है, कुछ बताना चाहोगी? एकदम हालत खराब है, हाथों में स्वेलिंग आ गई है। देखा जो मैं खा के मोटी ना हुई वो मैं ऐसे मोटी हो गई, सिर्फ हाथ ही मोटा हुआ। लेकिन और नींद आ रही? नींद तो आ ही रही है, कैसे हाथ लग रहे हो? मोटे हो गए हाथ तुम्हारे। अभी मुझे ना आना है, अभी सिर पर से बुरी बैंड बजी हुई है। मैं 2 दिन तक उठूंगी नहीं। पैर वैर ऐसा दर्द हो रहा है ना कि मतलब एक कदम भी ऐसे बढ़ाया नहीं जा रहा, मजबूरी में चल रही हूँ। गीजर ऑन कर दिया गरम गरम पानी से, आज पहली बार 3 बजे नहाऊंगी। चलो 3 बज तो गया, एक ग्रहण खत्म हुआ। ग्रहण खत्म हुआ। और आप लोगों का कैसा बीता, आप लोग भी कमेंट करके बताना आप लोगों की हालत मेरी जैसी हुई है। और इस बीच मेरे को इतनी खुजली हो रही थी, कभी गाल पे, कभी कान पे, कभी नाक पे, मतलब एकदम आफत। लेकिन जो भी कहो, थोड़ा सा कैमरा अपनी तरफ घुमाओ तो ऐसा ऐसा पति भगवान सबको थे। अभी तक मतलब चार बजे के पहले तो ऑफिस थे, जब से आए तब से मेरे साथ लगे हैं। मतलब कान पे बाल आ रहे तो बाल हटाना, या थोड़ा सा खुजली करने अगर कह रही थी खुजली करने, अरे भगवान कुछ गर्म अच्छे किए होंगे जो मेरे को ऐसा पति मिला। सबको ऐसा पति मिला, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यूनिक एंटीक पीस मेरे पास है। सबको, सारे पतियों को अपनी वाइफ की ऐसी कंडीशन में हेल्प करनी चाहिए। कुछ सीख ले लीजिए आप मेरे पति से। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने के लिए, नहाने के बाद से मिलते हैं। घर ठंडी लग रही है मेरे को, जबकि गर्म पानी से नहाई, लेकिन फिर भी ठंडी लग रही है। फटाफट से सो तो मेरा ग्रहण समाप्त हो चुका है, यानी कि सबका ग्रहण समाप्त हो चुका है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर किया। अभी थोड़ी मैं खुश मिजाज हो गई क्योंकि मैं नहा ली हूँ, हाथ वाथ मेरे खुल रहे। और इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस था, कैसे कैसे आप लोगों ने अपना ग्रहण बिताया। तो टाटा बाय बाय, बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।